बीते रविवार को सीढ़ियों से गिरने के बाद चोटिल हुए राजद सुप्रीमो लालू यादव का इलाज पटना के पारस हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल वे अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं, जहां उनकी तबीयत स्थिर बनी हुई है। इस बीच आईसीयू में एडमिट लालू यादव की पहली तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें लालू यादव काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार को लालू एक निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार करके वापस घर तो आ गए, मगर सोमवार सुबह 3 बजे उनकी हालत गंभीर हुई और उन्हें आनन-फानन में पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लालू के अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही उनके परिवार में भी मायूसी छाई हुई है। सोमवार को दिन भर उनके दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी पारस अस्पताल में ही रहे। दरअसल लालू यादव की बेटी रोहिणी ने ट्विटर पर 2 तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वे और मीसा भारती वीडियो कॉल के जरिए पिता लालू यादव को देख रही हैं। इसमें वे भावुक दिख रही हैं। रोहिणी ने फोटो शेयर करते हुए पिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने लिखा, हर बाधाओं से जिसने पाई है मुक्ति, करोड़ों लोगों की दुआएँ हैं जिनकी शक्ति। आपको बता दें कि रविवार की देर रात जब उनकी तबीयत अचानक गंभीर हो गई, तब उनके पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेटे तेजस्वी यादव खुद कार ड्राइव कर लालू यादव को अस्पताल ले गए। बेटी मीसा भारती दिल्ली से तुरंत पटना पहुंची। बेटी रोहिणी ने भी वीडियो कॉल कर पिता का हाल जाना। इसके बाद उन्होंने लालू की अस्पताल की तस्वीरें पोस्ट की हैं। सूत्रों के अनुसार लालू को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन परिवार उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की तैयारी में है। विदित हो कि लालू का किडनी सहित अन्य बीमारियां के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज चलता रहता है। बता दें कि आज लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल RJD का 26वां स्थापना दिवस है, लेकिन उनके हॉस्पिटल में होने के चलते किसी तरह का जश्न नहीं मनाया जा रहा है। राबड़ी आवास में गिरने के बाद लालू के दाएं कंधे में फ्रैक्चर हो गया और कमर में भी चोट आई। बता दें कि लालू यादव रविवार की शाम पूर्व मुख्यमंत्री एवं पत्नी राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास से सीढ़ियों से गिर गए थे। इसके चलते उनके कंधे की हड्डी टूट गई है। चिकित्सकों ने इलाज कर कच्चा प्लास्टर चढ़ा दिया और 1 माह तक आराम करने की सलाह दी थी।